सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बारिश के बूंदे भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम रहते हैं। इसलिए प्रयास छोटा ही सही किंतु लगातार होना चाहिए। घमंड से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। घमंड से बचे और सेवा करे तभी जीवन में सुख शांति आ सकती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो परमात्मा भी हमारी मदद करते हैं, इसीलिए दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज का पंचांग 4 फरवरी 2024 दिन रविवार, मांग मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि शाम 5:49 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र सुबह 7:20 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:48 से 6:11 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:18 से 1:02 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। मेष राशि 4 फरवरी 2024 दिन रविवार, अभी आप फ्रेश विचारों से भरे हुए रचनात्मक मूड में है। इन विचारों को समूहों और क्लबों में दूसरों के साथ शेयर करें। किसी खास रिश्ते के समाप्त होने पर परिस्थिति को अच्छे तरीके और कूटनीति से संभालें। किसी भी निर्णय को लेते हुए अपने साहस पर भरोसा करें। आज आपके सपने सच हो सकते हैं। क्या आपने कोई लॉटरी टिकट खरीदी है, क्योंकि आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आपके जैकपॉट जीतने की पूरी संभावना है। अपने आकर्षण और करिश्मे के साथ आप सबका दिल जीत लेंगे। हर व्यक्ति का दुनिया में कोई खास मकसद है, इसलिए पुरानी बातों को भूले और भविष्य के निर्माता बने। आप पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त दिनचर्या बिता रहे हैं, अब सारी चीजों को व्यवस्थित करने का समय है। आज आपको तुलनात्मक रूप से थोड़ा राहत मिलेगा, लेकिन आपको इस समय का उपयोग अपनी सब चीजों को व्यवस्थित करने में लगाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ और अधिक उलझता जाएगा और आप स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने के कारण और भी अधिक परेशान रहेंगे। आज के दिन आप बिना झंझट विश्राम कर सकेंगे। अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए तेल से मालिश करें। जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे उन्हें आज कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएगी। आपका आकर्षण स्वभाव और खुश मिजाज व्यक्तित्व नए दोस्त बनाने में आपकी मदद करेगा और आपके संपर्क में बढ़ोतरी करेगा। एक लंबा दौर जो काफी समय से आपको दबोचे हुए था खत्म हो चुका है, क्योंकि जल्द ही आपको आपका जीवन साथी मिलने वाला है। जो भी आपसे मिले उसके साथ विनम्र और सुखद व्यवहार करें। बहुत कम लोग ही आपकी इस आकर्षण का राज जान पाएंगे। आज आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकेंगे। रात को आज आप अपने किसी करीबी से कई देर तक फोन पर बात कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही बातों को बता सकते हैं। व्यक्तिगत दुविधा दूर होने से मानसिक सुकून रहेगा। किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए सही समय है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग बना रहेगा, जिससे आपकी परेशानियों का भी हल मिलेगा। आज परिस्थिति मन के विरुद्ध हो सकती है, गलतफहमियां बढ़ सकती है। आप अपनी बातों पर ध्यान दें। दूसरों की बातों को समझने और सुलझाने में आपका वक्त बर्बाद होगा। जीवन में आ रहे बदलाव के कारण तकलीफ हो सकती है, लेकिन आप सकारात्मक बातों पर ध्यान देते हुए अपने काम पूरे करने की कोशिश करेंगे। परिवार के लोगों के द्वारा मिल रहे सुझाव की वजह से करियर संबंधित बड़े निर्णय को आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्त हो सकती है। पार्टनर को जो साथ मिल रहा है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। पार्टनर की जरूरतों को भी समझने की कोशिश करें। वक्त पर खान पान ना होने से सेहत बिगड़ने की भी संभावना है, ख्याल रखें। दिन का आरंभ कठिनाइयों से होगा। शत्रु हावी होने का प्रयास करेगा। दैनिक कार्यों में बाधाएं आ सकती है। दोपहर से समय अनुकूल होता जाएगा। कार्य में गति आएगी, सुखद सूचना प्राप्त हो सकती है।
योग्यता अनुसार कार्य मिलेंगे। विद्यार्थियों को सहायता प्राप्त होगी। शाम के समय धन मिलेगा। मित्रों से मुलाकात भी होगी। सावधानियां: आलस अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने कार्यों को यथा समय पर पूरा करने का प्रयास करें। ये समय अपने कार्यों पर ध्यान देने का है। चचेरे भाई बहनों से संबंध मधुर बनाकर रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवारजनों के साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में भरपूर समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में निराशा ना आने दें। अचानक टूटा रिश्ता आपको परेशान कर सकता है, लेकिन याद रखें, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जबरदस्ती खींचा जा रहा रिश्ता अधिक समय तक नहीं रहता। सिंगल हैं तो इस समय का मजा खुल कर लें, और अगर विवाह के इच्छुक हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करें। अपने आकर्षण और करिश्मे से आप सबका दिल जीतने के लिए तैयार हैं। आपका प्रेमी भी आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। इस दौर का दिल खोलकर स्वागत करें। याद रखें, सबके प्यार के रास्तों में कुछ उतार चढ़ाव तो आते हैं, किंतु अंत में सभी को मंजिल मिल ही जाती है। आज आप अपने प्यार के लिए अपने मन को टटोल कर देखेंगे। पहले आपके प्यार और रिश्तों में बचपना दिखाई देता था, परंतु अब प्रेम और रिश्तों में आपका दृष्टिकोण कहीं अधिक समझदार और परिपक्व हो गया है। अब आप में स्पष्ट रूप से यह विचार विद्यमान होगा कि आप इस रिश्ते और अपने साथी से क्या चाहते हैं और बदले में आप उसे कितना दे सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आप आज कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी लें। अगर आप इसे अच्छी तरह से करते हैं तो आपको एक दैनिक आधार पर इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके साथ वेतन में वृद्धि भी आएगी, इसलिए ईमानदारी से काम करते रहें और लगातार अपने आप को प्रेरित करते रहें। हो सकता है कि लाभ आज दिखाई ना दे, लेकिन आप एक बेहतर जीवन के लिए कल की दिशा में काम कर रहे हैं। अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करें। किसी का बिछड़ना या धन की हानि आपके लिए अचानक टूटे सपने की तरह है। कार्यस्थल में आपकी रचनात्मकता, कल्पना और विचारों से सराहना मिलेगी। मनोरंजन की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है। याद रखिए, किसी भी कठिनाई को बिना किसी शिकायत के पूरा करना ही विजेता की निशानी है। सपने सच हो सकते हैं, यह बात आप अब महसूस कर रहे हैं। आज परिस्थितियां और भाग्य आपके पक्ष में है। जैकपॉट जीतने की भी संभावना है। प्यार और धन दोनों आपके जीवन में खास भूमिका निभाकर उसे रोमांचक बना रहे हैं। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन अपने प्रयासों से आप उन पर भी विजय पा सकते हैं। आपके भरपूर प्रयासों से व्यावसायिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित हो जाएगी। सरकारी कार्यों से जुड़े व्यवसाय में कार्यों को पूरा करने की नीति कामयाब होगी। पार्टनरशिप संबंधित मामले में सावधानी रखने की जरूरत है। ऑफिस में चल रही राजनीति से राहत मिलेगी। परिवारजनों के साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में भरपूर समय व्यतीत होगा। सुबह संतान से सुख और सहयोग मिलेगा। कार्यों में तेजी आएगी, मन प्रसन्न रहेगा। दोपहर बाद से परेशानी आ सकती है, विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे। कार्य में बाधाएं आएगी और आय की कमी हो सकती है। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। शाम के समय विवाह योग्य को विवाह प्रस्ताव की प्राप्ति भी होगी। बात करते हैं सेहत की। अगर आप पिछले कई दिनों से हो रही पेट की समस्याओं और अन्य तकलीफों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको बिना सोचे समझे कुछ भी खाना बंद करना होगा। नियमित और अच्छा डाइट कार्यक्रम बनाकर उस पर चलते रहें। आप कुछ ही दिनों में ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप इस बात की उपेक्षा करते रहे हैं। यह जरूरी हो गया है कि आप स्वास्थ्यकर भोजन और जीवन शैली अपनाने की ओर गंभीरता पूर्वक ध्यान दें। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय: आज अब गरीबों को तांबे से बनी वस्तुओं का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।